तय के छात्रों ने खून से खत लिखा है। आंदोलित छात्रों ने 11वें दिन खून से खत लिखा है। ये प्रधानमंत्री मोदी और यूजीसी को खत लिखा है। बीएचयू नर्सिंग छात्र के साथ मारपीट का मामला है। चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ छात्रों ने खून से खत लिखा है। चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं। 11 दिन से सेंट्रल ऑफिस के बाहर ये धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है खून से। चीफ प्रॉक्टर रायना सिंह के खिलाफ इन्होंने खत लिखा है। रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, ये क्या मांग कर रहे हैं और ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि खून से खत लिख रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने? देखिए, कुल मिला के कहा जाए, ये छात्रों का वो समूह है जो हमेशा किसी न किसी के इशारे पर विश्वविद्यालय को अशांत करने की कोशिश करता है। क्योंकि मीडिया वगैरह भी जान गया है कि इनकी मंशा क्या है, इसलिए इनको नजरअंदाज करते हैं। तो नजरअंदाज जो किया जा रहा है उस पर लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए नया तरीका इन्होंने अपनाया कि खून से खत लिखेंगे तो लोगों का ध्यान आएगा। बड़ा मामला ये है कि पिछले दिनों जो झड़प हुई थी छात्र छात्राओं में और कई विवाद हुए थे, नर्सिंग की छात्राएं भी धरने पर बैठी थी, उसमें सबसे मुख्य मुद्दा उभर के आ रहा है कि चीफ प्रॉक्टर जो है रायना सिंह, जो काफी सख्त मिजाज महिला है, कहीं से अनुशासन बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो ऐसे अधिकारी को छात्र नहीं चाहते हैं जो उनके इन सब कार्रवाइयों पे अंकुश लगाती हैं। तो उनके इस्तीफे की या फिर उनको हटाए जाने की लगातार ये छात्र मांग कर रहे हैं। 11 दिन से धरने पर बैठे हैं, जबकि विश्वविद्यालय परिसर में धरना देना और इस तरीके का आंदोलन करना पूरी तरीके से वैन है, उसके बावजूद ये लोग पठन पाठन सब कर इस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। इसी संदर्भ में ये लोग धरने पर बैठे हैं और आज उन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा है। बहुत शुक्रिया रोहित सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलंदशहर के